हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको सेट 7 करा दिए हैं। आज आपका सेट नंबर 7 8 होने वाला है, सेट नंबर 8। ठीक है, इससे पहले वाले सेट अगर आपने नहीं देखे हो तो वो जाकर आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। मैं आपको ये सेट कोई 1 घंटे या आधे घंटे में नहीं, 10 से 15 मिनट या बहुत से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 20 मिनट, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंसों को देखना है बस, है ना। बस फटाफट से आप ये क्लास देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस एग्ज़ाम में फंसेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में था? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव बताएंगे किस क्षेत्र में आ जा रहा था, संयुक्त प्रांत, बरार, बंगाल या फिर कश्मीर। ये आपका दोस्तों बंगाल आंसर हो जाएगा, बंगाल है। ठीक है, बंगाल में ज्यादा प्रभाव था। सेकंड देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत का? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की व्यवस्था जो है, संविधान की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। कई बार आपको बताया हुआ है मैंने। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? बताएंगे किसको चुना गया, संजय रावत, विनायक रावत या फिर उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे? बताएंगे किसको चुना गया राज्यसभा का सदस्य? संजय रावत को चुना गया था। ठीक है, याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताएंगे नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी या फिर सावित्री जिंदल या फिर नवजीत कौर बरार या अपेक्षा फर्नांडीज? बताएंगे किसको चुना गया, कौन बनी थी नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी? आगे चलिए। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? देखेंगे जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसे तो अपन लोग कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इसको सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या असम? तो ये सिक्किम में जानी जाती है सागा दावा के नाम से। ठीक है, देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उनका बुद्ध गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। इनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त भी पूर्णिमा को हुआ और मृत्यु भी इनकी पूर्णिमा को हुई। पूर्णिमा क्या नाम से जानने लगे अब से, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? आंसर दीजिए, साइना नेहवाल, जवाकल श्रीनाथ, या फिर राहुल द्रविड़, या फिर सचिन तेंदुलकर। कौन नहीं है? हमें अच्छे से पता है साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। कौन है साइना नेहवाल? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, भारतीय बैडमिंटन चलिए। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्तित रचना की रचना की है? किसकी रचना की है? प्रशस्ति रचना की रचना की है। बताएंगे किसने पुलकेशियन द्वितीय, या फिर मंगलेश फर्स्ट, या विक्रमादित्य चतुर्थ, या कीर्तिवर्मन द्वितीय? किसने की? पुलकेशियन द्वितीय की, ठीक है। कीर्ति वर्मा ने पुलकेशियन द्वितीय में से, पुलकेशियन द्वितीय की चालुक्य शासक की प्रशस्तित की रचना की है। चालुक्य वंश का दूसरा शासक था ये, चालुक्य वंश का दूसरा शासक, चालुक्य वंश का दूसरा शासक, ठीक है। इनकी राजधानी थी वातापी। क्या थी राजधानी? वातापी, ठीक है। कि रवि कीर्ति जो है, इनका एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, और जे हमेशा इसके साथ रहता था, पुलकेशियन दित्य के साथ। और पुलकेशियन दित्य के टाइम पर वेनसांग भी आया था, चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग भी आया था, और वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर भी आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पर आया, 15 साल तक हर्षवर्धन के यहाँ पर दरबार में रहा, और उसके बाद ये कब आया? पुलकेशियन द्वितीय के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे चलिए। पढ़िए, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएंगे सत्रिया नृत्य तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या सत्री आपका असम। तो कहाँ का है ये? असम का है, ठीक है। असम, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस ये आपका शास्त्रीय नृत्य कथक है। तमिलनाडु का फेमस डांस आपका भरतनाट्यम है, ठीक है। आगे चलिए। चलिए, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है, तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बताएंगे 32 अंक लेकर जीतेगा, या मैच ड्रॉ हो जाएगा, या 31वां अंक, या फिर 30वां अंक, क्या आंसर होगा? देखिए दोनों खिलाड़ियों के क्या है अंक? 29 है। अब 29 है, अब मान लो इसके एक बढ़ गया, या फिर इसका एक, मतलब ये 29 है, ये हो गया आपका 30, तो कौन जीतेगा? जी जीतेगा। आंसर क्या होगा? 30वां अंक वाला जीत जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखें, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, या फिर कम करने के लिए, खाली स्थान कार्य कहलाता है। बताएंगे कौन सा कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण, या फिर कस्टमाइजेशन, या फिर आरंभ, या फिर निर्माण? तो वो क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे चलती है, आगे चलिए। गया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होगा? क्या होता है? बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, या फिर सोडियम क्लोराइड? आंसर क्या होगा? बोरियम, बेरियम सल्फेट, ठीक है।
इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है, किस किस के लिए? बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन, इन सभी के लिए उसकी जरूरत आता है। बताएंगे वो कौन सी चीजें हैं? जूट या फिर केला या फिर ताड़ या फिर नारियल। तो ये सब चीजें काय से बनेंगी? जूट से बनेंगी, जूट से, जूट, ठीक है, जूट की बात हो रही है यहाँ। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? बताएंगे एन राजम, जिया मोहिउद्दीन, टागर, महबूब सुवानी या फिर शोभना नारायण। बताएंगे किसको मिले हैं ये अवार्ड? सारे शोभना नारायण को मिले हैं, ठीक है। शोभना नारायण जो है इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप जरूर से याद करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से खाली स्थान तक होता है। बताएंगे कितने वर्ष? 6 वर्ष, 5 या 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक, ठीक है। आगे चलिए। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यूज होता है ये आयातित व्यापार, यानी कि आ रहा है अपने पास निर्यात, यानी दूसरे देश में अपनी चीज जा रही है। आयात मतलब दूसरे देश से आ रही है, निर्यात मतलब जा रही है दूसरे देश में चीज, ठीक है। अब बताएंगे जो आ रहा है वो सामान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जो सामान आ रहा है हमारे देश में, वो किस कारण से अधिक महंगा होगा? बताएंगे प्रकृति में दुर्लभता के कारण, या फिर प्रशुल्कों के कारण, या फिर पसंद अनुसार निर्मित माल, या फिर उच्चतर गुणवत्ता। आंसर आपका होगा प्रशुल्को, प्रशुल्को, ठीक है, प्रशुल्कों के कारण। अब ये प्रशुल्क क्या होता है? ये कर होता है। क्या होता है? कर होता है जो कि 5% लगता है, कहीं कहीं ज्यादा लग जाता है, ठीक है। प्रशुल्क जो होता है, अब उसने अपनी जो वो चीज भेज रहा है उसका टैक्स ज्यादा लग गया। अब वो ऐसा थोड़ी है वो सस्ते में सामान बेच देगा, उससे तो उसकी क्या नहीं होगी, भरपाई नहीं हो पाएगी पैसों से। इसलिए जब टैक्स ज्यादा लग जाता है तो वो चीज महंगी हो जाती है। आप देखेंगे भारत में भी जिस चीजों पर टैक्स ज्यादा लग जाता है वो चीजें महंगी हो जाती, दुकानदार महंगे कर देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या हुआ आपका, मतलब कृषि से हुआ, ठीक है, कृषि से। बताएंगे बैंक सेवाएं, डेयरी, वानिकी या मत्स्य। जाहिर सी बात है बैंक सेवाएं कहाँ से आ गई यहाँ, तो बैंक सेवाएं नहीं होगा, है ना। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। लू किस ऋतु की विशेषता है? लू, आपने भारत के हो और आपने अगर लू वर्ड ना सुना गर्मी में तो आपने क्या ही सुना फिर। लू वर्ड जो है ज्यादा स्टैंडर्ड लोग होते हैं उन्हें नहीं मालूम होगा। पतझड़, शीत ऋतु, वसंत या ग्रीष्म ऋतु। बताएंगे कौन सी ऋतु की विशेषता है, ये है आपकी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, है ना। जैसे हम लोग भारतीय इंडियंस लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा गर्मी तेज पड़ती है तब लू चल रही है बाहर, यानी गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है ना, बोलते हैं प्याज रख के ले जाओ इससे लू नहीं लगेगी, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया को खाली स्थान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। बताएंगे किसको लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आंसर आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, कितनी थी? अब तो बढ़ गई, बताएंगे 88.23% या फिर 74.04% या 69.90% या फिर 65.27%, बताएंगे? आंसर आपका हो जाएगा 74.09%। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा? केरल। न्यूनतम 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 साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है? और यही केरल भी आपका क्या भी है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात लिंगानुपात वाला राज्य क्या हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात कैसे गिना जाता है? प्रति 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? भारत का लिंगानुपात कितना है आपका? प्रति 1,000 पुरुष पर 983 महिलाएं हैं, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, बताएंगे 6, 3, 1 या 2? आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है, पढ़ लेना है अच्छे से। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये डली हुई है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर ये डल जाएगी, और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, आपके 76 जो सेट है, मैं आपको डेली पीडीएफ दिखा देती हूँ, ठीक है? 76 सेटों की पूरी आपको पीडीएफ मिलेगी, डेली एक सेट आपको मिलेगा। साथ ही ये वाली पीडीएफ जो मैं लिखती हूँ, ये वाली भी आपको मिलेगी। बस ज्वाइन हो जाना है आपको टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो मुझे ज़रूर से बताइएगा, और जिसका सही होगा नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आपका सेट नंबर 9 मुझे कराना है अगली क्लास में, इससे पहले के सेट सारे आप देख लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है इस क्लास से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।